लगता है, सुहाना लगता है, जितना नेचुरल हो सके। तो हर आर्टिस्ट का एक पर्टिकुलर अपना वे है और सभी लोग अपना काम करते हैं, रिलीजियस ही करते हैं, कोई लैंडस्केप करते हैं, तो सब डिफरेंट आर्टिस्ट हैं। और ये कोविड के बाद ये फर्स्ट एग्जीबिशन है आपका, और ये हमेशा पेंटर आर्टिस्ट को हमेशा एनकरेज करते हैं इस तरह से एग्जीबिशन करके। तो इंडिया फाइनल काउंसिल का प्रेसिडेंट होने के नाते हम केजरीवाल जी को हम लोग पूरा सपोर्ट करते हैं, और जिस तरह से वो अपना पेंटिंग और आर्टिस्ट को जो एनकरेज करते हैं इस तरह से एग्जीबिशन करके, तो हम इंडिया फाइनल काउंसिल हमेशा मनमोहन जी के साथ है, वो सपोर्ट करते हैं। और ये खुद एक अच्छे पेंटर है, खुद एक अच्छे आर्टिस्ट है, तो वो आर्टिस्ट की रूह को पहचानते हैं, वो उनकी तकलीफ को भी पहचानते हैं, और इस तरह का एग्जीबिशन करके एक वैसे भी तो बॉम्बे में वैसे पहले हो गए मनमोहन जैसा कि मनमोहन जायसवाल जी इस तरह का प्रोग्राम करते हैं, और एक अच्छे ह्यूमन बींग भी है, ऑर्गेनाइजेशन को ही अच्छे अपने साथ एक अच्छे ह्यूमन बींग भी है। मैं वो इंक्लूड करता हूँ, ऐसा ही इसी तरह फ्यूचर में भी ऐसे इस तरह का एग्जीबिशन रखते रहे और आर्टिस्ट को पेंटर लोग को बढ़ावा दे। Various artists all over the world, amazing paints displayed, inviting all the national people that has been really good to the heart of the spring of colors in the past few years. Once again, my congratulations to the team and wishing them all the very best. I would like to congratulate and appreciate what Mr. Jagpal has done, because in Singapore, art exhibitions in Mumbai are not uncommon. But the team which has selected, inviting different artists from having each one having his own speciality at one place, is a great achievement. I don't know how great it is to be in the way we have to see this exhibition. And one place of जो बहुत अच्छा लगा, कोई आर्टिस्ट लोग बहुत अच्छे हैं, एंड आई थिंक जायसवाल हैज डन अ गुड जॉब ऑफ प्रमोटिंग दीज आर्टिस्ट, और आई कलेक्ट अ लॉट ऑफ आर्ट, लेकिन मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं यंगर आर्टिस्ट देखता हूँ, नए आर्टिस्ट देखता हूँ, एंड आई थिंक एवरीबडी सपोर्ट्स द आर्टिस्ट हु आर सेलिब्रिटीज और वेरी इस्टेब्लिश, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि यंगर आर्टिस्ट को डेवलप करना चाहिए, उनको आइडेंटिफाई करके उनको सपोर्ट करना चाहिए। तो आई थिंक जायसवाल इज डूइंग गुड जॉब ऑफ इट, एंड वी आर हियर टू सपोर्ट हिज एंडेवर ऑफ दिस कलर्स ऑफ स्पेस। हर एक बार आर्टिस्ट से तो शो आए, ये भी अच्छा है, पहले भी अच्छे थे, एंड आई थिंक ही हैज गॉट अ गुड आई फॉर आइडेंटिफाइंग आर्टिस्ट, उसने आइडेंटिफाई अच्छे आर्टिस्ट किए, एंड आई एम श्योर दे विल डू वेल इन फ्यूचर। देखिए, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कंपेयर, ब्यूटी लाइज इन आईज ऑफ द बीहोल्डर। इनको एक पेंटिंग अच्छा लगे, मुझे दूसरा पेंटिंग अच्छा लगे, लेकिन हमेशा यू शुड बाय अ पेंटिंग व्हाट यू एंजॉय लिविंग विद, सो इट इज़ कम्प्लीटली लेफ्ट टू द इंडिविजुअल व्हाट ही एंजॉयज। सो आई कांट से दिस इज गुड, दिस इज बैड, ऑल आर ब्यूटीफुल, सम अपील टू मी मोर, सम अपील टू मी लेस, दैट्स ऑल। इवेंट बहुत ही धमाकेदार है, बहुत ही कलरफुल है, जैसा कि नाम है कलर्स ऑफ स्प्रिंग, सो अपने आप में इस नाम ने ही सब कुछ कह दिया है। देयर आर लॉट ऑफ कलर्स, एंड थैंक्स टू रेखा जी जिन्होंने इनवाइट किया, जायसवाल जी जिनका ये इवेंट है, एंड इतने सारे पेंटर्स हैं यहाँ पर, बहुत सारी पेंटिंग्स हैं, तो सीरियसली मैं खुद कंफ्यूज हो गई हूँ कौन सी अच्छी लगी पेंटिंग, कौन सी नहीं अच्छी लगी, सारी बहुत अच्छी हैं। एंड सबसे बड़ी बात है, ये ना सिर्फ पेंटिंग्स है बल्कि इनके अंदर एक सोच है, जिस सोच के साथ आर्टिस्ट इन्हें बनाता है। जैसे हम एक्टिंग करते हैं तो एक सोच के साथ हमारा कैरेक्टर बुना जाता है, ऐसी जब पेंटिंग्स कैनवस पर बनाई जाती हैं, चाहे वो ऑयल पेंटिंग हो या वाटर पेंटिंग हो या नॉर्मल जो स्केच बोलते हैं हम, जिसे 2B, 3B, 6B, 4B जिसमें यूज़ होता है, तो वो एक थॉट प्रोसेस के साथ बनता है, एंड इसमें एक सोच है। सब पेंटिंग्स को ध्यान से देखो, चाहे मधुबाला हो या कोई और कैरेक्टर हो या कोई किसी विलेज की हो या किसी सब्जेक्ट की हो, तो बहुत ही डेप्थ में जाकर उसको ऐसे लगता है बस देखते रहो देखते रहो देखते रहो, तो बहुत कुछ सीखने को मिला है। एंड कोविड
टाइम के बाद आई थिंक ये पहली बार ऐसा मौका है जब इतनी बड़ी पेंटिंग एग्जीबिशन का मैं हिस्सा बनी हूँ. सो थैंक्स टू रेखा गौर, थैंक्स टू जयसवाल जी, बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आ रहा है. और ऐसा लग रहा है कि ऐसी एग्जीबिशंस होती रहनी चाहिए. सो आई एम रियली लविंग ईच एंड एवरीथिंग. कहा आई थिंक जो वो उन्होंने अभी बोला है सब मेरे जहन में था. एंड एज ट्रूली शी सेड दैट यू नो इट इज़ कलर्स ऑफ द स्प्रिंग. एंड आई थिंक जो हमारी जीवन काफ़ी नीरस हो गया था कोविड में, पैंडेमिक में, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है वापस से इतने कलर्स देखने को मिले. एंड आई थिंक कहीं ना कहीं ईश्वर का इशारा है कि अब कलर्स ही कलर्स आएंगे. सो आई जस्ट होप कोविड डजंट कम बैक और हमारी ज़िंदगी इतनी हसीन हो जाए जितनी हसीन ये पेंटिंग्स हैं. एंड व्हेन कमिंग टू द पेंटिंग्स, आई मीन ईच पेंटिंग मतलब इट्स wow, each painting is completely wow. And I really love the paintings from Africa. I think South African artist, I really love those paintings. They are the 3D paintings and detailed study. So I think to study those paintings you need a long time and a lot of time to study, but essay, you know, just a glimpse, of course they are all amazing. And I'm so happy, met my friends after long. So it's like a get together, a colorful get together with the most beautiful paintings. And they make a color of spring. Actually this is a color of friendship for us also. And meeting Parvez is also a big thing for us. और मैं आर्टिस्ट वैसे नहीं हूँ जैसे ये सब आर्टिस्ट को आपने आपने स्क्रीन पे देखा है, घर जगह देखा है. लेकिन ये जैसे बताया चाहूँगी ना कि सोच जो है सामने यहाँ पे और हर एक पेंटिंग हम पूरा घूमे हैं और लगन घूमना बाकी, माता जी पीछे दिख रही है. तो हर एक पेंटिंग जो है ना वो कह रही है, बता रही है. सो अनफॉर्चुनेटली आई हैव नो कलेक्शन लाइक यू हैव, बट या मैं सुन आई हैव माई कलेक्शन. सो बस ये है कि जितने आर्टिस्ट यहाँ पर हैं उनकी जो मेहनत दिख रही है, हो सकता है कि हम किसी और के साथ आए काम भी करें, बट मैं चाहूँगी कि जो पेंटिंग 20 तारीख तक ये एग्जीबिशन है, सो जितने ज़्यादा लोग देख सकें और आए यहाँ पर ना बहुत अच्छा होगा. क्योंकि एक कोविड के बाद जो हमें कलरफुल होने का मौका मिला है, देखने का मौका मिला है, आई थिंक एवरी बडी शुड बी पार्ट ऑफ दिस एग्जीबिशन. मनमोहन जी थैंक यू सो मच. मैं प्रोड्यूसर डायरेक्टर राइटर एडिटर राजू सुब्रमण्यम बॉलीवुड से हूँ. एंड मन जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं एंड उनके वजह से आज मुझे सौभाग्य मिला कि इतना ब्यूटीफुल पेंटिंग्स को देखने के लिए. आर्ट जो है एक इंसान की जिंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाता है. आर्ट जो है निशब्द है, वो शब्द नहीं होता, लेकिन इसके एक्सप्रेशन इतने होते हैं कि देखने वाले के आंखों में एक अलग ही सुकून उसको पहुंचता है और वो एक निष्कर्ष पे आता है कि यार ये पेंटर ये कहना चाहता है. एंड उस चीज़ को उसके दिल में उतरता है, उसके मन में उतरता है. एंड हर कोई ये चाहता है कि ये मेरे घर का प्रोडक्ट बने. आर्टिस्ट एंशियंट जमाने से 40,000 सालों से फर्स्ट पेंटिंग्स केव्स में बने हुए. क्या है कि पहली बार तो मुझे पता ही था कि यहाँ इतना अच्छा सा एक माहौल बनेगा और मंजू जी से भी मुलाकात होगी. जो हम लोग सुनते थे कि भाई हमारे फिल्म के सेंसर बोर्ड पे आई हुए हैं, तो आज इससे मुलाकात करके भी अच्छा लगा. लेकिन पेंटिंग जो आज हम देख रहे हैं एक ऐसे माहौल पे जहाँ सबसे आलीशान एरिया है ये, और आलीशान एरिया में आलीशान पेंटिंग बन रही. लेकिन मैं कभी कभी सोचता हूँ कि उन गाँव के जो बच्चे हैं जो वो अगर ऐसे कला में आना चाहते हैं तो वो कैसे आए, उनके लिए क्या सुविधा है. मैं चाहता हूँ कि ऐसी चीज़ें जो होती हैं और हमारे यहाँ हिंदुस्तान में एक से बढ़कर एक कलाकार है. जैसे मिसाल के तौर पे मेरा ही ले लो, मैं बम्बई से नहीं हूँ, मैं फिल्म आर्टिस्ट एक्टर, आई कम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल प्लेस का हुगली. आई जस्ट टुक अ चांस बिकॉज ऑफ पूना फिल्म इंस्टीट्यूट, आई लैंडेड अप हियर. अगर पूना फिल्म इंस्टीट्यूट नहीं होता तो शायद मैं यहाँ होता भी नहीं था और आज मैं मंजू जी के साथ बैठा भी नहीं. तो मैं सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार करती हूँ और मनमोहन जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि कोविड के पश्चात इनका ये पहला शो है. इसके पहले भी उन्होंने अनगिनत शो किए हैं और देश भर के हमारे भारतवर्ष के सारे जो चित्रकार हैं उनको एक मंच देने की उन्होंने कोशिश की है. वहाँ यहाँ पर आकर हम उनका काम देख सकते हैं और कला तो हमारे रचनात्मक ऊर्जा की प्रतीक है और भारतीय परंपरा के अनुसार तो वो परम विद्या का ही सनातन पक्ष है. और कोई भी जो समाज है कला के बिना जीवित नहीं रह सकता है. हाँ, कला और हमारा जीवन साथ साथ चलता है. कला है तो जीवन है और जीवन है तो कला है. कि हर दिल की धड़कन है कला, हर मौसम की बहार है कला, हंसी के कहो कहो में है कला, रुदन के
क्रदन के रुदन के क्रदन में है कला, मत बांधो किसी सीमा में कला को, धरा से नभ के कण कण में है कला, कण कण में है कला। तो आज यहाँ आकर ऐसा लग रहा है कि पतझड़ के बाद बसंत आ गया है फिर से, और फिर से हमको कोविड के पश्चात अपने जीवन में किस तरह से आगे बढ़ना है वो आज हम इस यहाँ पर इंद्रधनुषी रंग की इस छटा में हम देख रहे हैं। और वैसे भी कहते हैं ना, इंद्रधनुष भी जो खिलता है ना तो बादलों और धूप के बीच में खिलता है। तो चाहे कितनी भी बाधाएँ आए, कुछ भी आए, हमें निरंतर आगे बढ़ना है। हम यहाँ पे एक साउथ अफ्रीकन आर्टिस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मिस्टर केनेथ मेलोनी। और मनमोहन जी के साथ एक काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है कि हमें एक साथ में काम करने का मौका मिला, हमें एक अच्छा एक्सपोजर मिला हमारा आर्ट को डिस्प्ले करने का। और काफ़ी आर्ट के कतरदान यहाँ पे जो आए हैं उन्होंने आर्ट को अप्रिशिएट किया है और बहुत सराहा है, तो हम काफ़ी खुश हैं इस चीज़ से। या ये 16th इंटरनेशनल ग्रुप एग्जीबिशन में आने का मौका मिला, मनमोहन जी ने बुलाया, बहुत ही प्यार से बुलाया, मैं आकर के ढाई घंटे से देख रहा हूँ, ढाई घंटे में इतनी सुंदर सुंदर पेंटिंग है, आर्ट वर्क इतना बढ़िया है, हमारे साथ बैठे हुए हैं इनका मैंने आर्ट वर्क देखा जो साउथ अफ्रीका से इन्होंने लाया है, बहुत थ्री डायमेंशनल इफेक्ट है उसमें, बहुत सुंदर बनाया है। उसी तरह बहुत सारे पेंटिंग ऐसे हैं जिसको आप किसी भी एंगल से देखें तो उसमें एक ग्लो निकलता है, उसका एक फीलिंग उसमें आती है। मनमोहन ने जयसवंत सिंह ने मुझे आज इधर इन्वाइट किया, पहली बार इधर गैलरी में आया, लेकिन बहुत अच्छा लगा, प्रिंट और सब एकदम रियली लगता है, प्रिंट और देखेंगे आगे से पीछे से देखेंगे तो एकदम रियली सामने से राइट एकदम दिखता है, बहुत एकदम अच्छा एकदम एक्सपीरियंस मिला।